बजाज इलेक्ट्रिकल्स, क्या राय बनती है? हाँ एक अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने की तैयारी में है। अभी तक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर देखा जाए तो ये अभी तक पैटर्न कंप्लीटली एग्जीक्यूट हुआ नहीं है। अगर आप स्पेसिफिकली जो लोग टेक्निकल्स के जो टर्म्स है उसको फॉलो करते हैं तो ये पैटर्न्स देखने के लिए हम लोग 30 मिनट्स के अगर टाइम फ्रेम अगर देखते हैं तो एक ऊपर 1350 1355 तक का एक अपवर्ड का स्विंग देखने मिल सकता है, और वहां से अगर ये वापिस एक बार ऊपर जाके अगर 1300 1120 की अगर लेवल तोड़ता है तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनेगा जो कि नेकलाइन तोड़ेगा। तो डेफिनेटली सेलिंग देखो प्रेशर डाउन स्टॉक बढ़ेगा, आने वाले स्पेसिफिक समय में ये स्टॉक 1050 1020 तक की लेवल्स छूने के लिए रेडी रहेगा। ये स्टॉक के अंदर मैं स्पेसिफिकली बहुत डिप्लोमेटिक बात इसलिए कर रहा हूं कि इफ और बट वाली सिचुएशन है, अगर ये 1155 के ऊपर वीकली बेसिस के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मेरे हिसाब से ये एक मूड चेंज करेगा यहाँ से और ऊपर जाने के लिए रेडी रहेगा। लेकिन फिलहाल में 1130 के नीचे ये डेफिनेटली सेलिंग वाला कैंडिडेट रहेगा। जी। यहां से भी अगर 1130 की रेंज अगर तोड़ता है तो तुरंत सेलिंग में नहीं जाना है मेरे हिसाब से, कि थोड़ा सा सेल ऑन प्राइस वाला थिंकिंग रख के ही इसके अंदर वेट करना चाहिए और आहिस्ते आहिस्ते बेचना चाहिए, क्योंकि ये चीजें फ्यूचर्स में है नहीं बेचने के लिए, तो हम लोग इसके अंदर शॉर्ट सेल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास में डिलीवरी है वो डिलीवरी को तुरंत ना बेचे, अगर वो एक बार बाउंस देके फिर नीचे आता है तो डेफिनेटली फिर 1130 के नीचे एक व्यू लेना जरूरी है और बेटर रहेगा कि वो एग्जिट वाला व्यू रहा तो ज्यादा बेटर है। जी, तो सर ने अपनी राय बता दी है बजाज इलेक्ट्रिकल्स पर।